Assalamualaikum friend, इस वीडियो में हम इस वाईफाई राउटर के साथ एक्सटर्नल एंटीना लगाएंगे। ये मेरे पास वाईफाई राउटर है, तो इसके ये जो एंटीना है ये फिक्स्ड एंटीना है, ये रिमूवेबल एंटीना नहीं है। तो किस तरह से इसके साथ एक एक्सटर्नल एंटीना ऐड करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस राउटर को ओपन कर देते हैं। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को रिमूव कर देता हूं, और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं यहां से ऊपर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पर राउटर को ओपन कर दिया है। अब इसके ये जो एंटीना की वायर है इनमें से किसी एक एंटीना की वायर के साथ एक्सटर्नल एंटीना की वायर को अटैच करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि राउटर का ये जो मदरबोर्ड है इसमें एंटीना की वायर यहाँ पर कनेक्ट है। इसमें तीन फिक्स्ड एंटीना की वायर यहाँ पर लगी हुई हैं। इनमें से फर्स्ट वाला जो एंटीना है इसके साथ हम एक्सटर्नल एंटीना की वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी वायर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके साथ एक्सटर्नल एंटीना की वायर को कनेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसके ये जो फर्स्ट वाला एंटीना है इसकी वायर को मैंने रिमूव कर दिया है, और ये जो बाकी दो एंटीना है इनकी वायर वैसे ही यहाँ पर कनेक्ट है। और ये जो फर्स्ट वाले एंटीना की वायर है इसको मैंने इस पॉइंट से यहाँ से रिमूव कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला एंटीना है इसकी वायर को, ये वाला एंटीना की वायर को यहाँ से रिमूव कर दिया है, और इस पॉइंट पर हम एक्सटर्नल एंटीना की वायर को लगाएंगे ताकि आउटडोर वाईफाई सिग्नल को रिसीव किया जा सके। उसके लिए जो एक्सटर्नल एंटीना की वायर है वो हम इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, आउटडोर वाईफाई एंटीना लगाने के लिए हम इस कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इस कनेक्टर को इस राउटर के साथ यहाँ पर इस वायर की मदद से इस राउटर के इस वाले हिस्से पर यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो मैं ये जो राउटर का ये वाला हिस्सा है यहाँ पर मैं इस कनेक्टर को होल्ड करके यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं राउटर को यहाँ पर इस वाले हिस्से पर होल्ड कर देता हूँ और इस कनेक्टर को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर राउटर का ये जो बोर्ड है सर्किट बोर्ड है इसके साथ मैंने एक्सटर्नल एंटीना के वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसको मैंने राउटर का ये जो फर्स्ट वाले एंटीना की वायर थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो दो एंटीना की वायर है इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि राउटर बोर्ड के ऊपर ये जो एंटीना का ये जो फर्स्ट वाले एंटीना का पॉइंट था उसके साथ मैंने ये एक्सटर्नल एंटीना की वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इस वाईफाई राउटर के साथ ये जो एक्सटर्नल एंटीना का ये जो पॉइंट यहाँ पर हमने लगाया है इसके साथ आउटडोर वाईफाई राउटर की वायर को लगाकर चेक कर देते हैं कि क्या ये राउटर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये वाईफाई सिग्नल को रिसीव करता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं और इसके साथ आउटडोर वाईफाई राउटर को कनेक्ट करके इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी वाईफाई राउटर के साथ आउटडोर एंटीना को लगाकर इसकी वाईफाई रेंज को बढ़ा सकते हैं या वाईफाई सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। तो ये वाईफाई राउटर जो है ये वायरलेस सिग्नल को रिसीव भी करता है और वाईफाई सिग्नल को सेंड भी करता है। ये एक वायरलेस वाईफाई राउटर है। तो इसके साथ मैं ये जो आउटडोर एक्सटर्नल एंटीना है इसको मैं एज अ वाईफाई सिग्नल रिसीव करने के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ ये जो वायर है इसको मैं इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और इस आउटडोर वाईफाई एंटीना को अब मैं अपने घर की छत पर कुछ हाइट पर इसको मैं फिक्स कर दूंगा वाईफाई सिग्नल को रिसीव करने के लिए।
अब मैं अपने स्मार्टफोन के साथ इस वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद ब्राउज़र को ओपन करके इसका वाईफाई का सेटअप पेज ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राउटर मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है और इस अब ब्राउज़र में मैंने इसका ये जो वाईफाई का सेटअप पेज है इसको मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ वायरलेस रिपीटिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके मैं सबसे पहले वाईफाई को स्कैन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्कैनिंग हो चुकी है और अभी यहाँ पर दो वाईफाई नेटवर्क स्कैन हो चुके हैं और उनके जो वाईफाई सिग्नल हैं वो बिल्कुल फुल यहाँ पर उनके सिग्नल को यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाईफाई वायरलेस वाईफाई राउटर हो तो उसके साथ आप एक्सटर्नल एंटीना लगाकर वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं।